नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। मुजफ्फरनगर में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 2012 में रेल रोक कर किए गए प्रदर्शन के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर साक्ष्य के अभाव में राज्य मंत्री कपिल देव सहित 8 आरोपियों को बरी कर दिया है। हालांकि 4 आरोपियों अपराध स्वीकृत कर लिया गया था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 500 रुपये जुर्माना वसूल कर बरी कर दिया गया था। आपको बता दें कि दिसंबर 2012 में कांग्रेस की तत्कालीन केंद्रीय सरकार के विरुद्ध भाजपा ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। उसी दिन रेलवे स्टेशन पहुंचकर भाजपा नेताओं ने और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रेल रोकी। इस पर आरपीएफ ने विभिन्न धाराओं के तहत मौजूदा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, शामली भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन तरार, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पवार, भाजपा युवा नेता वैभव त्यागी, सुनील तायल सहित 12 भाजपा नेताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज मयंक जायसवाल के समक्ष ली। मामला था, क्या आदेश आया इसमें? देखिए, 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और सपा सरकार, उन दोनों के संयुक्त जो सरकार केंद्र के अंदर चल रही थी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लगातार अपराध, उन सब के विरुद्ध जब रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुँचे तो पहले से ही ट्रेन वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसी के सामने सांकेतिक रूप से हम लोग खड़े हुए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने, अनावश्यक रूप से हमारे ऊपर, हमारे विजय शुक्ला जी जो जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में, यशपाल पवार जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, अशोक कंसल जी विधायक रहे हैं, और हमारे वैभव त्यागी जी, उमेश मलिक जी माने विधायक, ऐसे मिलाकर वैभव जी, ऐसे मिलाए पवन तरार जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, यही पार्टी के सब लोग, सुनील तायल जी, ऐसे सब लोगों को जबरदस्ती अनावश्यक रूप से फर्जी मुकदमे कायम करने का काम किया। हमको ये कहा भी गया कि आप कन्फेस कर लो कि हमने अपराध किया है, पर चूंकि हमने कोई ना गलती की थी, ना कोई अपराध किया था, और ना ही रेलवे किसी प्रकार की हानि पहुंचाई, और सांकेतिक रूप से केवल ये मैसेज देने का काम किया कि जो सरकारों के गुंडे, भ्रष्टाचार, लूट, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, करते रहे हैं। तो आज माननीय न्यायालय के द्वारा लंबे एक बहस के बाद हम सबको सम्मान उसमें अपराध मुक्त किया गया, बरी किया गया। हम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग बरी किए गए आपसे? 9 लोग। 9 लोग, 8 लोग, 8 लोग, 8 लोग। कितने साल चला है मुकदमा? सन 12 से लेके अब ये 10 साल चला। 10 साल चला। जुर्माना लगाया गया भाई साहब, दोष मुक्त किया है।